हेलो फ्रेंड्स, सूर्या टूरिज्म टिप्स में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल हैं और अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हैं। साथियों, कोविड-19 का जो सेकेंड वेव था वो बहुत ही खतरनाक था, लेकिन अभी जो है हालात सुधरते जा रहे हैं। सभी कंट्रीज अपने इंटरनेशनल बॉर्डर को ओपन कर रही हैं। इंडिया में भी लगभग सभी स्टेट से अभी जो है लॉकडाउन हट चुका है। अगर बात करूँ यूरोपियन कंट्रीज़ की, वहाँ पे भी जो है लॉकडाउन धीरे धीरे बिल्कुल हट चुका है और यूरोपियन यूनियन की एक दूसरे कंट्री में आना जाना सब वो हो गया है। और बहुत सारी अदर कंट्री, एशियन और अफ्रीकन कंट्री को भी उन्होंने वीज़ा जो है अलाउ कर दिया है। बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडियंस को भी वीज़ा अलाउ कर दिया है, सिर्फ अभी लेकिन लॉन्ग टर्म वीज़ा ही चालू किए हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा अभी चालू नहीं किए हैं। साथियों, बात करेंगे आज मलेशिया की कि मलेशिया की वर्क वीज़ा की क्या अपडेट है, आउट पास कब तक लगेंगे, ये जून तक थे, अब आगे डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, वाइट पासपोर्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे या बंद हो गए, लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। साथियों, वीडियो पूरा देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर कंट्री के बारे में, वहाँ के लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, कौन सा वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, कौन सा वीज़ा ओपन हुआ है, इनसे रिलेटेड आपको क्या है नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आप अपनी तैयारियाँ उसी हिसाब से प्रिपेयर करते रहें। साथियों, बात करते हैं मलेशिया की। साथियों, मलेशिया के अंदर क्या था, सेकंड वेव था वो बहुत सही था, लेकिन अभी वहाँ पे क्या थर्ड वेव आ रखा है कोरोना का, तो वहाँ पे क्या थोड़ा हालात नहीं बिगड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ लोग आपको भ्रमित कर देंगे, नहीं भाई यहाँ तो मरने जैसी हालत है या हालात बिगड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे केसेज वो हैं थोड़े वहाँ पे बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा भी केसेज नहीं बढ़ रहे, 4 से 5-6 हज़ार केसेज पर डे से ऊपर आज तक नहीं आए और ना कभी आने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से इंतजाम किया हुआ है। लेकिन मलेशिया गवर्नमेंट ने क्या है, 14 जून तक ही लॉकडाउन था, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड करके 28 जून तक कर दिया है। तो 14 जून से लेकर 28 जून तक जो है मलेशिया गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन सबसे अच्छी बातें जो है, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क है वो अभी चालू है। जैसे जो आउट पास थे वो जून तक ही थे, लेकिन अभी ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है कि आउट पास की जो डेट है दिसंबर तक बढ़ेगी या सितंबर अक्टूबर तक कब तक बढ़ेगी, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अभी तक तो जून तक ही आउट पास लग रहे हैं। इंडियन एम्बेसी की बात करूँ तो इंडियन एम्बेसी ओपन है और वाइट पासपोर्ट जो है बन रहे हैं, वो बंद नहीं है, वाइट पासपोर्ट प्रॉपर बन रहे हैं। बात करें फ्लाइट्स की तो फ्लाइट भी प्रॉपर चल रही है, फ्लाइट अभी बंद नहीं है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरा फ्लाइट थी लेकिन मेरा एजेंट बोला कि अचानक हैंड टू हैंड कैंसिल होगी। भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता, अगर कोई भी फ्लाइट होती है अगर मौसम ख़राब होने के कारण कैंसिल होती है तो वो रीशेड्यूल होती है, लेकिन फ्लाइटें हैं जो प्रॉपर चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता कि 4 बजे की फ़्लाइट है तो बोला 2 बजे कैंसिल होगी। ये सब आपको मतलब चूतिया बना, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो बेवकूफ़ बनाने की बात है, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता है। तो जो भी है सावधानी पूर्वक करें। तो आउट पास भी ओपन है, वर्क वीज़ा जो हैं ऑफिशियल जो वर्क वीज़ा हो रहे हैं वो भी हैं, क्योंकि इमिग्रेशन बंद नहीं है। बहुत सारे लोग बोलें कि इमिग्रेशन बंद है, इमिग्रेशन बिल्कुल भी बंद नहीं है, इमिग्रेशन चालू है। इमिग्रेशन जब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन चालू हुआ था उस टाइम के लिए 3 मंथ के लिए बंद हुए थे, उसके बाद मलेशिया गवर्नमेंट ने इमिग्रेशन कभी बंद नहीं किया था, क्योंकि आउट पास लग रहे हैं, वाइट पासपोर्ट भी बन रहे हैं, लोग इंडिया भी आ रहे हैं, लेकिन इंडिया से लोग वो लोग नहीं जा पा रहे जो टूरिस्ट वीज़ा वगैरह पे जाना चाहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा का भी ना कोई तो सतूना है कब चालू होगा, ना कोई अपडेट है, ना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, लेकिन वर्क वीज़ा हैं वो लग रहे हैं। स्टडी वीज़ा बीच में चालू किया था लेकिन अभी वापस बंद कर दिए हैं, क्योंकि कॉलेज नहीं खुल रहे, इस कारण जो है स्टडी वीज़ा बंद कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्क वीज़ा हैं वो लग रहे हैं, आउट पास भी लग रहे हैं, फ्लाइटें भी चल रही हैं, तो आप किसी तरीके की भ्रमित में ना रहें। अदर इसके अलावा आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो की स्क्रीन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, आप 24/7 मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। इन केस मैं कई बार कॉल करते हो आप लोग तो कॉल नहीं उठा पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती हैं, तो आप मुझे वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज जोड़ दो, आपको मैं डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा। तो मलेशिया से रिलेटेड या किसी भी प्रकार की कंट्री, कोई भी कंट्री के वीज़ा से रिलेटेड, वहाँ के इमिग्रेशन से अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगा।